अब बेटा चेक करते हैं कि हमें कोई कार्बन चेन सिलेक्ट कैसे करना। ठीक है, तो जो पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप जो है वो है आपको चेक फॉर एनी फंक्शनल ग्रुप, अगर है तो उसको कंसीडर करना है, इफ नो, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो फिर सेकेंड चलेंगे चेक फॉर एनी मल्टीपल बॉन्डिंग। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, मैंने आपको लिखा दिया डिटेल में, ठीक है, ये समझ में आया, ऑर्डर याद है ना, सबसे पहले क्या करना था, फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्डिंग, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं ओके, इफ नो, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो नंबर ऑफ कार्बन एटम, अभी हम इस पे ध्यान देते हैं, बाद में सब्सट्रेट की बात करेंगे, क्लियर। चलिए, तो अगर मैं आपसे कहूं कि चलिए एक, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल नहीं है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है बेटा, ठीक, जितने भी आपको पता है आप उसके हिसाब से देखिए, सीएचओ आपको नहीं, सारे कार्बन ही कार्बन दिख रहे हैं, ठीक है, तो कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं यहां पे, ओके, तो आपने कहा बढ़िया है सर, आप क्या करना है, मल्टीपल बॉन्डिंग चेक करो, कोई मल्टीपल बॉन्डिंग भी इसमें नहीं दिख रही है, क्लियर है। अब आपको चूज करना है क्या चेन, इस वे में चूज करनी है कि मैक्सिमम कार्बन आए पेरेंट चेन में, समझ में आया, ओके, और शुरू बीच से नहीं करनी, ऐसा नहीं कि यहां से शुरू कर दी, ऐसे नहीं शुरू होगी करनी, ठीक है, ओके। तो क्या लगता है आपको सबसे ज्यादा कार्बन किस में होंगे, भाई कोई आप में से कह सकता है सर मैं तो इस तरह चलूंगा, ओके फाइन, नो प्रॉब्लम, मैंने आपसे कहा कि ये फोर कार्बन चेन मेरे पास हो गई अगर आपने ये लिया तो। अब कोई और हो सकती है, बिल्कुल, आप में से किसी ने कहा नहीं सर फोर से तो ज्यादा है, चलिए ऐसे चलते हैं, ओके। अब जब आपने ब्लू वाली बात की तो आपने कहा भाई ये तो फाइव कार्बन चेन हो गए। अब आप में से किसी ने कहा कि नहीं नहीं सर हम तो ये चेन ले लेते हैं, ये वाली चेन में आपके सिक्स कार्बन हो गए, बात समझ में आई। अच्छा, अब ये जो आपको साइड में दिखा ना, इस पेरेंट चेन के साइड में, ये देखो साइड में निकला हुआ है, ये क्या हो गया, ये है आपकी साइड चेन, या इसी को आप कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट, बात समझ में आई, साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट ये हो गया आपका। हाँ, नेमिंग अभी चिंता मत करो, नेमिंग अभी बताएंगे आगे, पहले ये देखें कि भाई कार्बन चेन कैसे ढूंढी जाएगी, ओके। तो आपके पास जो रूट वर्ड आएगा, रूट वर्ड, वैसे तो इस पूरे कंपाउंड में सेवन कार्बन थे, बट रूट वर्ड में आपके पास सिक्स कार्बन है। अब देखिए एक और चीज, ओके, ये हमने बनाया था, मैंने आपसे कहा भाई यहां पे मैंने बीआर लगा दिया, ठीक है, ये जो है ये फंक्शनल ग्रुप है, एक्स हेलोजन है, ठीक है, लेकिन ये हमेशा मैंने आपसे क्या कहा, साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट होगा, फाइन, ये सब्स्टिट्यूट कर रहा है एच को, इसी तरह से ये भी आपका सब्स्टिट्यूएंट होगा, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हो गए और आपकी कार्बन चेन जो है वो ये आ गई, ओके, यहां पे ऐसे बना लीजिए, चलिए ये कुछ हो गया, फाइन। अब इसमें भी कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है और कोई मल्टीपल बॉन्डिंग नहीं है, आप मुझे बता सकते हैं कि सबसे बड़ी चेन कौन सी है, कितने कार्बन की चेन होगी जो आप ढूंढ पा रहे हैं, ओके, आपने मुझसे कहा सिक्स कार्बन, बिल्कुल सही बात है, सिक्स कार्बन, बहुत बढ़िया बेटा। अब देखिए सिक्स कार्बन की जब आप नंबरिंग करेंगे तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है, तो नंबरिंग पे अभी थोड़ी देर पे आते हैं, अभी आते हैं। आप में से कोई कह सकता है 1 2 3 4 5 6, ये सबसे बड़ी चेन है, ठीक है, ओके। अब जरा देखिएगा, सेकंड ने कहा नहीं नहीं सर 1 2 3 4 5 6 ये सबसे बड़ी चेन है। दो मेथड मैंने आपको दिखाए, एक मैंने आपको रेड कलर से दिखाया ये वाला, और एक मैंने आपको ग्रीन कलर से दिखाया हुआ है, मैं अपनी चेन में इधर मुड़ गया, ठीक हो गया ना, छह कार्बन की दो टाइप से चेन्स पॉसिबल है, तो अब आप कौन सी चेन लेंगे,
नंबर ऑफ कार्बन एटम इक्वल हो गए। तो अब आपको चेक करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट किसमें ज्यादा है। वो लिखा था ना, लास्ट प्रेफरेंस किसको मिल रही है? नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को। तो वो जो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हैं वो किसमें ज्यादा है ये प्रेफर होगी। तो कौन सी वाली प्रेफर होगी, ग्रीन और रेड? चलो देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं पहले ग्रीन की, ठीक है, तो ग्रीन में मेरे पास एक सब्स्टिट्यूएंट ये रहा और एक सब्स्टिट्यूएंट ये रहा। अगर आपको क्लैरिटी नहीं हो रही तो मैं ये दिखा दूं आपको, ये मैंने ग्रीन सेलेक्ट किया, ठीक है। तो इसमें मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, सब्स्टिट्यूएंट टू, फाइन। और अगर मैं रेड वाले को देख रहा हूं, रेड वाले को, तो सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं? यस, रेड वाले को अगर आप देखेंगे तो अब आपके पास सब्स्टिट्यूएंट जो है वो ये रहा बेटा। अब ऐसा नहीं कि सर इसमें तो तीन कार्बन है, नहीं, सब्स्टिट्यूएंट हमेशा काउंट होगा उस पोजीशन से जहां पे ये अटैच है, फाइन। ये रेड कलर वाला जो बॉन्ड दिखाया, इसमें आपको ये सिंगल सब्स्टिट्यूएंट होगा। बात समझ में आई? तो ये वो बात अलग है, सब्स्टिट्यूएंट में तीन कार्बन है वो एक अलग बात हो गई, ठीक है। लेकिन ये सिंगल सब्स्टिट्यूएंट है। ग्रीन वाले पे अगर आप देखेंगे ग्रीन चेन को, तो ग्रीन चेन पे आपको एक सब्स्टिट्यूएंट ये मिल रहा है और एक इधर मिल रहा है। अटैचमेंट समझ में आ रहा है आपको? ओके, तो यहां पर आपकी ग्रीन वाली को प्रेफर किया जाएगा बिकॉज इट हैज टू सब्स्टिट्यूएंट। अब इसको पॉइंट बना के लिख लीजिए, रूल लिख लीजिए। हाँ, रूल लिख लीजिए, इफ टू कार्बन चेन्स ऑफ इक्वल लेंथ आर प्रेजेंट देन सेलेक्ट द चेन विच कंटेन्स मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो जिसमें जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होंगे आप उनको सेलेक्ट करेंगे। अच्छा जी, चलिए एक और इंटरेस्टिंग सा इसी पे अभी, क्योंकि कार्बन चेन सेलेक्ट करने की सबसे इंपॉर्टेंट यही है। जब आपने पेरेंट चेन ही सेलेक्ट करनी नहीं आई तो फिर आगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ओके, अच्छा ये मैं जानबूझ के आपको थोड़े से टेढ़े मेढ़े दे रहा हूं जिससे आपको हर चीज समझ में आ जाए, फाइन। हाँ, जिससे आप सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी बना सके। ओके, कुछ मैंने ऐसा बनाया। ओके, आप में से कोई मुझे बता सकता है कितने कार्बन की पेरेंट चेन पॉसिबल है? मैक्सिमम कितने कार्बन की पेरेंट चेन पॉसिबल है? सबसे पहले आपको यह ढूंढना है। ओके, आपने कहा मैक्सिमम जो है वो सिक्स कार्बन चेन पॉसिबल है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सिक्स कार्बन। अच्छा, अब सिक्स आप नंबरिंग कैसे कर सकते हैं? ठीक है, आप में से कोई कह सकता है सर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे चले गए। ठीक है, तो ग्रीन कलर पे हमें 6 कार्बन मिले और साथ में 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल गए। ऐसे लिख लें अभी समझने के लिए। ओके, अच्छा और कोई, और कोई मेथड, और किस तरह से चेन बना सकते हैं, देखिए जरा। ओके, आपने कहा कि सर हम ऐसे गए 1, 2, 3, 4, 5, अरे ये तो गड़बड़ हो गया। ठीक है, 5 तो हमें चाहिए नहीं, अरे 6 की मिल गई तो 5 वाली तो नहीं चाहिए। अच्छा 3, 4 ऐसे गए, उसके बाद कहा सर हम 5 और 6 में चले गए। भाई ये तो कर सकते हैं ना, 5 और 6 में जा सकते हैं। ओके, कितने हो गए, कितने हो गए? रेड कलर पे अगर आप देखेंगे तो 6 कार्बन आए और सब्स्टिट्यूएंट कितने आए? सब्स्टिट्यूएंट देखो, एक 3 पे है, एक 4 पे है और एक 5 पे है। ये देखो, ये देखो, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। बात समझ में आई? हाँ, ये शुरू में आपको पेंसिल से इस तरह से करना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, बिल्कुल। ओके, मैं अभी इनको गायब कर देता हूं। ये समझ में आया? तो यहां पे आपके पास 3 सब्स्टिट्यूएंट हो गए। अच्छा, और कोई भी पॉसिबल? ये ढूंढने पड़ते हैं सारे। चलिए एक और दिखाते हैं आपको। चलो देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यू शेप में, यू शेप में 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखो, एक सब्स्टिट्यूएंट ये आया, एक यहां पे आया, एक ये आया और एक ये आया। बात समझ में आई? तो आपके पास कार्बन तो 6 रहे लेकिन सब्स्टिट्यूएंट 4 हो गया। तो अब आपकी जो कार्बन चेन बनेगी, पेरेंट चेन जिसे आप कहेंगे, वो चेन आपकी ये वाली होगी। बात समझ में आई? ये आपकी पेरेंट चेन है बिकॉज इसमें 6 कार्बन है और 4 सब्स्टिट्यूएंट है। तो
तो ये आपको ढूंढना पड़ेगा। हाँ, अगर कोई इसके अलावा, ऑल्दो इसमें नहीं मिल रही है आपको, बट अगर मान लीजिए 7 कार्बन की कोई चेन होती तो इतनी मेहनत 6 वालों पे करने की जरूरत नहीं थी, फिर तो 7 वाले को ढूंढना था। कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो मल्टीपल बॉन्डिंग देखिए, मल्टीपल बॉन्डिंग नहीं है तो नंबर ऑफ कार्बन को देखिए, नंबर ऑफ कार्बन अगर इक्वल मिले 2 या 3 केसेस में तो फिर आपको सब्स्टिट्यूएंट को ढूंढना है। अब बेटा हमें कार्बन चेन सेलेक्ट करनी आ गई, ठीक, तो अब इसकी नंबरिंग करनी है। तो नेक्स्ट रूल लिखिएगा, नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन इज डन अकॉर्डिंग टू लोवेस्ट पोजिशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, हाँ, तो इस तरह से नंबरिंग करनी है कि सब्स्टिट्यूएंट को सबसे कम नंबर मिले। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, मान लीजिए मेरे पास 5 कार्बन ऐसे हैं और 1 कार्बन यहां पर है, ठीक। अच्छा जी, अब आप में से कोई मुझे बताएगा कि कितने कार्बन की चेन हो गई भाई? 1, 2, 3, 4, 5, एक आप ये जा सकते हो, है ना? तो आपने कहा कि भाई ये मैंने अपनी कार्बन चेन बना ली, कोई उसमें मुड़ भी सकता है, वो सेम रहेगी। ठीक है, देखिए अगर आप ऐसे जाओगे ना तो भी ये सेम रहेगी, इसमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि एक कार्बन सेकेंड कार्बन पे ही लगा हुआ है, एक कार्बन वाली चेन जो है, ठीक है, ओके, तो इससे कंफ्यूज मत होना। हाँ, लेकिन नंबरिंग तो आप 2 तरह से कर सकते हो ना, नंबरिंग आप इधर से भी तो कर सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, ये बात समझ में आई आपको? तो कौन सी नंबरिंग प्रेफर की जाएगी? अगर आप पर्पल नंबरिंग को देख रहे हैं तो आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है वो 4 नंबर पे है, अगर आप ग्रीन चेन को देख रहे हैं तो आपका सब्स्टिट्यूएंट 2 नंबर पे है, तो नंबरिंग कौन सी प्रेफर की जाएगी? ये वाली। बात समझ में आई? तो अब बेटा यहां से हमें क्लियर हो गया कि हमें नंबरिंग कैसे करनी है, और ये नंबरिंग मैंने 1, 2, 3, 4, 5 दे दी, तो हमने पेरेंट चेन भी सिलेक्ट कर ली और हमने नंबरिंग भी कर ली, 2 काम हमारे हो गए, ठीक। अब बात यह है कि भाई इसमें नाम कैसे देना है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो टर्म था वो था रूट वर्ड, रूट वर्ड। बात समझ में आई? तो रूट वर्ड की जब आप बात करेंगे तो इसमें कितने 5 हैं, तो ये क्या हो जाएगा? पेंट। ये हमारा रूट वर्ड आ गया, 5 कार्बन की चेन के लिए पेंट लिख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर नेक्स्ट हमें लिखना था बॉन्डिंग क्या है, ठीक है। तो बॉन्डिंग में मल्टीपल बॉन्डिंग हमने देखी, मल्टीपल बॉन्डिंग हमारे पास नहीं थी, ठीक। तो अब मैं क्या लिख दूंगा इसको? एन। भाई एन, ईन या आइन डालना था ना, तो मैं एन डाल दूंगा। इज इट क्लियर? अच्छा, यहां पर मेरे पास बॉक्स होंगे, यहां पर मेरे पास बॉक्स होंगे, लेकिन एन में क्योंकि कोई पोजीशन नहीं होगी इसलिए यहां कुछ लिखने की जरूरत आपको नहीं है। यह समझ में आ गया? ऐसे कर लीजिए। अच्छा, अब इधर आपके पास था फंक्शनल ग्रुप, और ये फंक्शनल ग्रुप भी हमारे पास अभी नहीं है। अब बात है प्राइमरी प्रीफिक्स की, प्राइमरी प्रीफिक्स की जब आप बात करते हैं तो यहां पर आपको कुछ नहीं लिखना। आप देखिए क्या लिखा था हमने कहा था अगर स्ट्रेट चेन होगी तो कुछ नहीं लिखना, ठीक है ना। हाँ, साइक्लिक होगी तो साइक्लो आना है, बट इस केस में कुछ नहीं आना, फाइन, ठीक है। और फिर हमारे पास यहां पर था सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट कौन है हमारा? सब्स्टिट्यूएंट कौन है? ये बेटा सी, सिंगल सी जो है ये आपका एक्चुअल में CH3 है, एच भरेंगे ना बाद में, CH3 है, तो ये क्या हो गया? मिथाइल हो गया, फाइन। तो यहां पे आपका नाम आएगा सब्स्टिट्यूएंट का मिथाइल, ठीक है। अभी बता रहा हूं कैसे, लेकिन इसकी भी तो पोजीशन बतानी पड़ेगी, और इसकी पोजीशन आएगी 2। तो अब आपका नाम कैसे लिखा जाएगा वो बता रहा हूं। तो आपका नाम हो गया 2-methyl, ओके, 2-methyl पेंटेन, 2-methyl पेंटेन, फाइन। अब कुछ चीजें ध्यान रखनी है, 2 के बाद आपको डैश लगाना है, 2 के बाद आपको ये डैश लगाना है। फर्स्ट जो अल्फाबेट है ये कैपिटल होगा, फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल होगा, इसके बाद कोई भी कैपिटल लेटर यूज नहीं होगा, सबके सब स्मॉल लेटर्स में, ठीक है। अच्छा, यहां पे जब हम लिखते हैं तो जनरली गैप आता है, लेकिन आपके पास रियलिटी में कोई गैप नहीं होगा। स्टैंडर्ड जब आप बुक में देखेंगे
क्योंकि हमारी आदत होती है कि मेथिल एक हम मानते हैं, पेंटेन एक मानते हैं, तो उसको हम फ्लो में एक साथ लिखते हैं, तो हमारा जनरली बीच में गैप दिखता है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आइडियल कंडीशंस में आपको पता होना चाहिए कि कोई बीच में गैप नहीं होगा। क्लियर? तो मेथड समझ में आया, रूट वर्ड कैसे आया, फिर हमारा बॉन्डिंग कैसे आई, फिर हमारा फंक्शनल ग्रुप कैसे आया, हमारा प्रीफिक्स प्राइमरी और सेकेंडरी कैसे कैसे आया। अब बेटा हमारे पास ये एक एग्जांपल है, इसकी हमें नेमिंग करनी है। तो सबसे पहले हमें ये ढूंढना है कि भाई सबसे ज्यादा कार्बन कितने पॉसिबल हैं। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो थोड़े से आपको इधर उधर दिमाग लगाने के बाद ये समझ में आ जाएगा कि मैक्सिमम जो हमारी चेन बन रही है वो 6 कार्बन की बन रही है। ठीक, अब 6 कार्बन में भी हमारे पास, सपोज आपने ये ले लिया, आपने कहा सर हमने स्ट्रेट ले लिया, ठीक है, तो आपके पास जो सब्स्टिट्यूएंट है वो एक ये हो गया, एक ही हो गया। अब इस चीज से कंफ्यूज मत होइएगा कि आप में से कोई ये कहे कि सर अगर हम इसे ले लेते, आप बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल सेम चीज है भाई। देखो ये 2 कार्बन, ये मैंने आपको सिमिलर कार्बन में कराया था ना, ये वाला ग्रुप लेफ्ट साइड पे जो है और ये ग्रुप, ये दोनों सिमिलर हैं। इसी तरह से राइट वाला ये कार्बन और ये वाला कार्बन भी सिमिलर है। ठीक है, बात समझ में आई? ओके, तो हम अब बिल्कुल स्ट्रेट वाला ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन अब नंबरिंग हमारी 2 वेज में हो सकती है। एक आपने कहा सर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 एक नंबरिंग ये चली, दूसरी नंबर कैसे पॉसिबल है भाई? मैं दूसरी साइड से शुरू कर दूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये समझ में आ गया। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जहां कहीं से भी चल रहा था, मेरे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे थे और उनकी अब अगर मैं नंबरिंग देखूं, तो अगर मैं ग्रीन कलर वाले को देखूं, ठीक है, तो मेरे पास 6 कार्बन है, 2 सब्स्टिट्यूएंट है, ओके इसे कार्बन कर लीजिएगा, 6 कार्बन 2 सब्स्टिट्यूएंट और इनकी नंबरिंग जो है वो है बेटा 2, 4। ठीक, और अगर मैं रेड वाली चेन को लिखूं, रेड वाली चेन मतलब जो रेड कलर से मैंने मेंशन की हुई है, उस पर अगर मैं चलूं तो 6 कार्बन है, 2 सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन मेरी जो नंबरिंग है वो 3, 5 है। ये बात समझ में आई? तो अब जब आप देखें तो सबसे पहले आपको यहां पे चेक करना है पहली वाली नंबरिंग जो आई है, ठीक, सबसे कम, सबसे पास जो है वो कौन है? 2 वाला है। दैट मींस ये नंबरिंग मेरी वैलिड होगी, रेड वाली नंबरिंग नहीं। क्यों? बिकॉज जब मैं ग्रीन के अकॉर्डिंग चल रहा हूं तो मेरा पहला सब्स्टिट्यूएंट सबसे पास आ रहा है, उसकी नंबरिंग लोवेस्ट है। बात समझ में आई? ओके, तो अब अगर हम देखें तो हमें क्या क्या मिल गया, हमें रूट वर्ड मिल गया, रूट वर्ड, ओके जल्दी से बता दो रूट वर्ड क्या है। रूट वर्ड हमारा है हेक्स, ठीक, ओके। अब इसकी बॉन्डिंग वाला जो सेकंड इसके बाद आ रहा था वो क्या होगा? बिल्कुल सही कहा आपने, एन, ये भी हमें मिल चुका है। ठीक है, हाँ, जिसे आपने प्राइमरी सफिक्स कहा वो हमें मिल चुका है। प्राइमरी सफिक्स क्या है? एन, कोई डाउट तो नहीं? अच्छा जी, फंक्शनल ग्रुप है नहीं तो सेकेंडरी सफिक्स की जरूरत नहीं, मैं यहां पर लिख भी देता हूं, प्राइमरी सफिक्स रूट वर्ड, ओके। प्राइमरी प्रीफिक्स इसकी भी जरूरत नहीं है भाई, साइक्लिक तो है नहीं, वो तो साइक्लिक के केस में ही लिखा जाता है। अच्छा, सेकेंडरी प्रीफिक्स की जब हम बात करेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स, तो ये हमें पता है हमारे पास कौन कौन है। एक देखिए एथिल है और एक हमारे पास मेथिल है। बात समझ में आई? 2 ग्रुप हो गए ना, एक मेथिल हो गया और एक एथिल हो गया। कैसे पता चला भाई? ये CH3 है, ये CH2CH3 है, ऐसे ही बनेगा। तो C2H5 एथिल ग्रुप हो गया, ठीक। अब एथिल और मेथिल 2 ग्रुप हैं, एथिल और मेथिल 2 ग्रुप हैं, तो नंबरिंग, उनकी पोजीशन भी तो चाहिए। तो पोजीशन कौन कहां पे लगा हुआ है? देखो ग्रीन कलर वाले को देखना, ग्रीन कलर वाले को, ठीक है। तो ये रही आपकी, ओके, ये CH3 था। मेथिल ग्रुप कहां पे लगा हुआ है? मेथिल ग्रुप लगा हुआ है 2 पे बेटा, इसकी पोजीशनिंग 2 है। अभी मैं बॉक्स में दिखा रहा हूं, बॉक्स में लिखना नहीं है आपको। एथिल जो है वो 4 पोजीशन पे, नाम कैसे आएगा? ठीक, हाँ, तो नाम में जब आप सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे तो नाम में अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज होगा। पहले
एथिल आएगा, बाद में मेथिल आएगा, ठीक। तो आप कैसे लिखेंगे जरा देखें, ये हमारा आएगा 4-ethyl-2-methyl-hexane, ये नेमिंग हो गई हमारी। हाँ, अभी धीरे धीरे स्टेप्स आएंगे ना, रूल्स बनेंगे। तो अगर आपके पास सब्सटेंट हैं, बहुत सारे हैं, जैसे यहां पे 2 आए, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकते हैं, तो उनको हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखना है। ये नहीं कि उनकी पोजीशन के हिसाब से जो पहले आया वो लिख दे, नहीं, पोजीशन तो उनकी वही रहेगी, पोजीशन उनकी जो है वो कार्बन चेन में आ चुकी है, जब हमने कार्बन चेन की नंबरिंग की तो उनकी पोजीशन फिक्स हो, ठीक। लेकिन उनकी नेमिंग में आगे पीछे नाम जो आएगा वो हमेशा सब्सटेंट का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखा जाएगा। ये क्लियर हो गया। अब एक एग्जांपल देखिएगा बेटा, यहां पर आपके पास चेन आपको दी हुई है, कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक। और जब आप चेन सेलेक्ट करेंगे तो यहां से आपको क्लियरली दिख रहा है कि आप अपनी चेन ये बिल्कुल स्ट्रेट ले जा सकते हैं, आप चाहें तो ऊपर मुड़ सकते थे, बट अगर सीधे ले जाएंगे तब भी एक ही चीज आएगी आपकी। और यहां पर क्लियरली आपको ये दो सब्सटेंट दिख रहा है, ठीक। तो ये आपके पास 9 कार्बन की चेन हो चुकी है, काउंट कर लीजिए, 9 कार्बन की चेन आपके पास आ चुकी है, यानी आपको रूट वर्ड मिल गया नोन, ठीक है, ओके। और साथ में आपको सफिक्स भी मिल गया है, प्राइमरी सफिक्स भी मिल गया है एन, दो चीजें आप ढूंढ चुके हैं। फंक्शनल ग्रुप है नहीं, तो सेकेंडरी सफिक्स आपका कुछ आएगा नहीं, ठीक है, और प्राइमरी प्रीफिक्स भी कुछ नहीं आएगा। लेकिन जब आप बात करेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स की तो बिल्कुल वो आएगा। और यहां पे आपके पास दो सब्सटेंट आपको दिख रहे हैं, तो दो सब्सटेंट में लिख दे रहा हूं, दोनों सब्सटेंट मेरे पास एक मेथिल है और एक एथिल है। लेकिन अब यस, कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, जब आपने नंबरिंग शुरू की तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और आपने दूसरी साइड से नंबरिंग की, यानी कि आप कहीं से भी नंबरिंग डाल सकते हैं, ठीक है, हाँ, उसके पीछे रूल है। तो अब आपने दूसरी साइड से जब नंबरिंग शुरू की तो आपने कहा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ग्रीन वाला लें चाहे रेड वाला लें, जो भी आप सीक्वेंस ले लें, नंबरिंग जो भी लें, आपकी जो पोजीशन आ रही है वो 3.7 आ रही है बेटा, 3.7 आ रही है, ये दिख रहा है आपको, कहीं से भी चले। तो अब क्या करें, आप तो फंस गए, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप नंबरिंग कर रहे हैं तो दोनों सब्सटेंट की पोजीशन सिमेट्रिकल हो गई, दोनों सब्सटेंट अलग अलग हैं लेकिन उनकी पोजीशन सिमेट्रिकल हो गई, बात समझ में आई, दोनों 3-7 हो गए, क्लियर है। तो अगर ये 3 और 7 हो चुके हैं, चेक कर लो भाई, 3-7 ही आ रहा है ना, 3-7 ही आ रहा है बेटा, देखो देखो देखो, ओके। तो इस केस में आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर को प्रेफरेंस देंगे, इसका मतलब पहले एथिल यहां पे आ रहा होगा, अगर सेम आ रहा है तब, ठीक है। तो यहां पर हम किसको प्रेफरेंस देंगे, ये आपका एथिल है और ये आपका मेथिल है, बात समझ में आई, सारे रूल बनाए गए हैं, ऐसी सिचुएशन हो सकती है ना कहीं पे भी, ओके। तो अब इसका नाम क्या आएगा, ये वाला, ठीक। तो जल्दी से नाम देखते हैं इसका क्या आएगा, हाँ, 3 पे एथिल है, लिखने का तरीका तो यही रहेगा लेकिन नंबरिंग का भी तो होगा ना, 7 methyl, ये ई बड़ा, 3-ethyl-7-methyl और नोनेन, ओके, 3-ethyl-7-methyl-nonene, ये इसका नाम हो गया। इस रूल को लिख लीजिए, इस रूल को लिख लीजिए, इफ 2 or more than 2 सब्सटेंट आर प्रेजेंट एट सिमेट्रिकल पोजीशन, ठीक है, फ्रॉम आइदर साइड, ये इंपॉर्टेंट है, From either side, then numbering is done in alphabetical order. ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखिएगा, आपको चेन ढूंढनी है और नंबरिंग बतानी है,
बेटा इस क्वेश्चन पे अगर आप देखें तो जो हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन हमें दिख रही है वो हमारी ये आ जाएगी, ठीक है। कार्बन काउंट कर लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कार्बन हमारे पास हो चुके हैं। अब आपकी नंबरिंग जो है वो दो तरह से पॉसिबल है, ठीक। आप में से कोई कहे सर हमने ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये हमने नंबरिंग कर ली, और दूसरी नंबरिंग जो हमारे पास पॉसिबल है वो हम रिवर्स कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब अगर हम ग्रीन वाली नंबरिंग को देखेंगे तो हमारे जो सब्स्टिट्यूएंट हैं वो हमारे आ जाएंगे 3, 4 और 6 पे, और जब हम रेड वाली को देखेंगे, ठीक है, हाँ मतलब लेफ्ट टू राइट जब मूव कर रहे हैं तो हमारे सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं 3, 5, 6 पे, ठीक। सब्स्टिट्यूएंट ये लगे हुए हैं। तो अब अगर आप देखेंगे तो आपके पास ये सेम हो गया, रेफरेंस इसको मिल रही थी ये सेम है, तो अब आगे बढ़े तो ये वाला छोटा है, दैट मींस इसको आपको प्रेफरेंस मिलेगी रेड वाले को नहीं, ठीक है। बात समझ में आई? ओके, तो अब आपने क्या देखना है कि कौन से कहां कहां पे लगे। तो अब बहुत ध्यान से देखो, 1, 2, 3 पे क्या लगा हुआ है, मेथिल लगा हुआ है। 4 पे कौन लगा हुआ है, मेथिल लगा हुआ है, ठीक है। और 6 पे कौन लगा हुआ है, एथिल लगा हुआ है। ये समझ में आया? तो अब इसकी नेमिंग कैसे होगी, ठीक। तो भाई सबसे पहले रूट वर्ड ऑक्ट आया था, ओके, ऑक्ट। आगे एन आ जाएगा, ऑक्ट एन, ओके। जब सब्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट में ई जो है वो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा ना, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, 6-ethyl, ठीक है। अब मिथाइल दो हैं तो यहां पे आप लिखेंगे 3, 4, दो जगह आ गया, ठीक। और साथ में दो मिथाइल हैं तो आप इसको लिखेंगे डायमिथाइल। तो नेक्स्ट जो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा मल्टीपल बॉन्डिंग, ठीक। अब हम डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को लेके आएंगे, ठीक है। तो जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि सी 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 डबल बॉन्ड सी 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 सी, ऐसे मैंने लिख दिया, फाइन। अब मुझे जो कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है उसमें मेरा डबल बॉन्ड का होना जरूरी है। पहली कंडीशन क्या है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, लेकिन अब मुझे नंबर ऑफ कार्बन पहले नहीं देखने। ये नहीं कि आपने कहा सर हमने ना क्या किया कि हमने ये वाली चेन को सेलेक्ट कर लिया, ये चेन को आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, क्यों, बिकॉज इसमें डबल बॉन्ड इंक्लूड नहीं हुआ। डबल बॉन्ड इंक्लूड का मतलब मैंने क्या कहा था, डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन लेफ्ट और राइट या अप डाउन दोनों कार्बन आने चाहिए, फाइन, समझ में आया। तो अब आपके पास जो ऑप्शन बचा वो लॉन्गेस्ट चेन का ये बचा, डबल बॉन्ड इंक्लूड करते हुए, ठीक है, ओके। तो यहां पे आपके पास एक चीज हमें मिल गई, हमारी जो पेरेंट चेन बनी है उसमें हमारे पास कितने कार्बन है, 5 कार्बन आ चुके हैं, 5 कार्बन की चेन हमारे पास आ चुकी है। ये सबको समझ में आया? अब आप नंबरिंग की बात करेंगे तो इस तरह से नंबरिंग करनी है कि हमारे डबल बॉन्ड को मिनिमम पोजीशन मिले, ठीक। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको मिनिमम मिलनी चाहिए। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 ये आपने नंबरिंग कर दी, क्लियर है। तो अब इसका नाम कैसे दिया जाएगा, तो आपके पास जो रूट वर्ड है उसमें 5 कार्बन आए हैं तो आपने नाम दिया पेंट, ठीक है। अब डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में आपके लिए आ जाएगा ईन, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ये ईन की मुझे पोजीशन भी तो लिखनी पड़ेगी भाई, ये कहीं पे भी हो सकता है ना, तो मुझे इसकी पोजीशन लिखनी पड़ेगी। तो मैं इसको यहां से अभी रब कर रहा हूं और मैं यहां पर इसकी पोजीशन लिख रहा हूं 1-ene, पोजीशन 1-ene आई, ठीक है, ओके। और अब मैं बात करूंगा किसकी, ये मेरे पास है सब्स्टिट्यूएंट, तो सब्स्टिट्यूएंट जो मेरा है वो क्या है, इथाइल है। कहां पे लगा हुआ है, 2 पोजीशन पे लगा हुआ है, तो मैं इसे नंबर दूंगा 2-ethyl। अब देखिए ये जो पेंट है ना इसका पी मेरा स्मॉल हो जाएगा, तो 2-ethyl पेंट 1-ene ये नाम होगा, ठीक। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, ये भी करेक्ट है, 2-ethyl 1-pentene भी लिख देते हैं,
वन पेंटीन भी लिखा जा सकता है, आपको बुक्स में ऐसा भी मिल सकता है, बट बिल्कुल रूल जो है हमारा वो ऐसे ही चल रहा है, तो आप बिल्कुल ऐसे फॉलो कीजिए, आप दोनों तरह से लिख सकते हैं। समझ में आया? तो पोजीशन आपको मल्टीपल बॉन्ड की भी देनी पड़ेगी और पोजीशन आपको सब्स्टिट्यूएंट की भी देनी पड़ेगी। ऊपर हमने रूल यूज किया, इसको लिख भी लीजिए। सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इंक्लूडिंग मल्टीपल बॉन्ड एंड नंबरिंग इज आल्सो डन एज मल्टीपल बॉन्ड गेट्स मिनिमम पोजीशन। तो ये आपका रूल हो गया कि भाई आपको कार्बन को डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना है, ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको इंक्लूड करना है। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर सिक्स है। एग्जाम्पल नंबर सिक्स में देखिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन मैंने ये ले लिए और इधर मैंने यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लगाया और ये बना दिया। ओके, हाँ जी, ठीक है। अब आपको अपनी चेन सेलेक्ट करनी है इस तरह से कि ये डबल बॉन्ड इंक्लूड हो। तो देखिए इसका तरीका क्या है, सबसे आसान तरीका, ये मैंने डबल बॉन्ड इंक्लूड कर लिया भाई, इसका होना है ना, फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो ये डबल बॉन्ड इंक्लूड कर लिया। अब दोनों जो कार्बन के एंड है उससे उस ओर चलिए जहां ज्यादा कार्बन हो, जैसे यहां से आप इधर, और कोई रास्ता ही नहीं है तो यहां जाएंगे। ठीक है, यहां से आपके पास दो रास्ते हैं, आप इधर भी जा सकते थे, इधर भी जा सकते थे। किधर जाएंगे? लेफ्ट साइड पे, क्योंकि यहां पे आपकी चेन लंबी है। बात समझ में आई? तो ये आपकी पेरेंट चेन सेलेक्ट करने का मेथड हो गया। और अब बिल्कुल अब आपकी प्रैक्टिस भी हो गई होगी। नंबरिंग किधर से करेंगे? टॉप वाले कार्बन से, बिकॉज यहां पे 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब मैं बार बार आपको नंबरिंग करके नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, ये समझ में आया? ओके, और यहाँ पे आपका ये कौन सा ग्रुप आ गया? ये आपका हो गया C2H5 ग्रुप है, ये आपका इथाइल ग्रुप हो गया। ठीक है, इथाइल ग्रुप की पोजीशन क्या आ चुकी है? 3 आ चुकी है। तो ये आप साइड में लिखते चलिए जो आपकी हेल्प करेंगे। ठीक, अच्छा, टोटल आपके पास रूट वर्ड क्या आ गया? हेक्स आ गया। फाइन, ओके। तो अब जरा देखें नाम कैसे बनेगा। इसका नाम बनेगा बेटा रूट वर्ड हेक्स 2-ene, सेकेंड पोजीशन पे इन लगा हुआ है तो हेक्स 2-ene, और ये आपका हो जाएगा 3-ethyl। फाइन, देखिए बीच में गैप आ जाता है, मैं आपसे वही कर रहा था कि लिखने में आ जाता है, बट आइडियली नहीं आना चाहिए क्योंकि हम तो टुकड़े टुकड़े करके लिख रहे हैं, बट जब आप इसको स्टैंडर्ड बुक में देखेंगे तो सब एक साथ लिखा होगा। फाइन, तो 3-ethyl hex 2-ene ये इसका नाम हो गया। 3-ethyl 2-hexene भी लिखा हुआ मिल सकता है। क्लियर? एक और एग्जांपल देखिएगा। ओके, एग्जांपल 7 चेक कीजिए। अब बेटा अगर आप चेन की बात करेंगे तो आप इस चेन को ले सकते हैं। ठीक, आप साइडवेज भी जा सकते थे, बात एक ही थी। तो आपने नंबरिंग की 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये आपके 6 कार्बन की चेन आपको मिल गई। ठीक है, आपके सब्स्टिट्यूएंट जो है वो, ये आपका एक सब्स्टिट्यूएंट आया, ये आपका दूसरा सब्स्टिट्यूएंट आया, डबल बॉन्ड है तो आपका डबल बॉन्ड में क्या होगा? बिल्कुल उसकी भी नंबरिंग देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपने रूट वर्ड देखा, आपने कहा हेक्स, फिर आपने कहा 2-ene। क्लियर? तो ये आपका रूट वर्ड और फर्स्ट सफिक्स आ गया, सेकंड सफिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, अभी हम उन्हें डील नहीं कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे, यस, ये मेरे पास इथाइल ग्रुप है और ये मेरे पास मिथाइल ग्रुप है। अगर इथाइल ग्रुप और मिथाइल ग्रुप दोनों होंगे तो इनकी नंबरिंग आपको देखनी है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। ठीक, लेकिन जब आप नाम लिखेंगे तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल पहले आएगा, तो 3-ethyl बिल्कुल डैश लगा दीजिए आप, 2-methyl, फाइन, hex 2-ene, ये आपका आंसर हो गया। एक एग्जांपल और देखते हैं, एट्थ एग्जांपल है। चलिए अब ट्रिपल बॉन्ड पे चलते हैं। तो ये हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड आ गया, फाइन, चलिए कुछ ऐसे बना दें, हाँ जी, चलिए कुछ ऐसा बना दिया मैंने। अब बेटा अगर हम बात करें तो हमारी जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इंक्लूडिंग ट्रिपल बॉन्ड है उसे हम ऐसे ले सकते हैं, फाइन, और बिल्कुल इसकी जब हम नंबरिंग करेंगे तो हमें नंबरिंग यहां से शुरू करनी पड़ेगी, राइट साइड से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, राइट से लेफ्ट से,
लेफ्ट से शुरू कर लीजिए. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारी नंबरिंग हो गई. और जब हमारी ये नंबरिंग आ गई तो अब हमें इसका नेम देना है. बिल्कुल सही बात. सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट ढूंढ लीजिए. सब्स्टिट्यूएंट एक आपका सिक्स पोजीशन पर लगा हुआ है, दिख रहा है आपको? ओके, और एक आपका सेवन पोजीशन पर लगा हुआ है. और दोनों सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? दोनों मिथाइल है, राइट? तो यहां पे आप कहेंगे 6.7-dimethyl. ओके, ऑक्ट नंबर क्या है? 2 आइन. 6.7-dimethyl-2-octyne या oct-2-ion. ओके, तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हमने देख लिए. अब वापस जो सिंगल बॉन्ड पे ही आ जाते हैं, ठीक है? अच्छा, कई बार ना बड़े इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग से आपको मिलेंगे. मान लीजिए ऐसे बना लिया मैंने, हाँ जी, प्लस साइन बना लिया, और मैंने आपसे कहा कि भाई इसका नाम बता दो. बोले प्लस बना दिया, बोले IUPAC नाम बता दो. ठीक, तो अब जरा इसको सोचते हैं कि क्या होगा. ठीक, हाँ, ये मेरे पास अगर आप देखें तो ये कुछ ऐसा होगा. प्लस लिखा हुआ मतलब इस तरह से कार्बन होंगे ना इस पे. हाँ, अरे भाई कार्बन तो सब जगह है, चारों कोने पे पांच कार्बन है, उसमें एक कार्बन थोड़ी है, बाकी सबको हाइड्रोजन कर दो. पांच कार्बन है. ओके, अब जरा IUPAC के हिसाब से चलो लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो. आपकी मर्जी, आप चाहो तो सीधे चले जाओ, आप चाहो तो टर्न ले लो, लेकिन मैक्सिमम कार्बन चेन जो आएगी वो आपकी 1 2 3 कार्बन की आएगी. बात समझ में आई? और ये जो साइड में आपको देख रहे हैं ये आपके सब्स्टिट्यूएंट हो गए. ओके, तो भाई नाम क्या आएगा? हाँ, टू पोजीशन पे ही दोनों हैं तो आप लिखेंगे 2.2 डाइमिथाइल ग्रुप है. डाइमिथाइल, तीन कार्बन की चेन है तो प्रोप आया और इन. ये समझ में आया? तो 2.2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ये इसका नाम हो गया. फाइन, हाँ बड़े इंटरेस्टिंग से बन सकते हैं. ये लीजिए एक और लिखिए, एग्जाम्पल 10 देखिए. एग्जाम्पल 10 में हमने आपको ऐसे लिख दिया कुछ. ओके, एन लिख दिया जी. हाँ, ये आप सबको बता देना चाहिए, ये बहुत आसान है. ओके, अब बेटा अगर आप इसको देखें तो भाई इसमें आप देखेंगे एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन. तो अगर आप देखें तो ये कुछ ऐसा बना हुआ है, दिखाने के लिए आपको ऐसा बनाया हुआ है, बट बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि ये तो एक स्ट्रेट चेन है 4 कार्बन की. समझ में आया? ठीक, तो बिल्कुल सीधे सीधे चल रहा है. ओके, तो आप इसको कहेंगे भाई इसमें ना तो कोई सब्स्टिट्यूएंट है ना कुछ है, तो आप इसको नाम दे देंगे ब्यूटेन. ठीक है, ओके. अच्छा, एक आज का लास्ट, चलिए ये आपका होमवर्क है. ठीक, और ये होमवर्क जो है आपका, ये है आपका स्वस्तिक. इसका आपको IUPAC नाम बताना है. बहुत ध्यान से, नेक्स्ट क्लास में आते ही पहले स्वास्तिक की बात होगी, उसके बाद बाकी के रूल्स की बात करेंगे.